नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। श्रावस्ती लुटेरे व पशु चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दो जिला बदर सहित 7 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। पुलिस ने लुटेरे व पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके पास से लूट का रुपया, वाहन तथा नजायज तमंचा, कारतूस आदि बरामद किया गया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सोनबर थाने की पुलिस ने भेड़सारी नहर रेगुलेटर के पास से 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर पशु चोरी में प्रयुक्त की जा रहे 2 DCM तथा बीते माह 10 जून को थाना गलोआ क्षेत्र में होमगार्ड से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्रो तथा गल्ला व्यापारी संजय कुमार आर्य से चाकू की नोक पर लूटे गए 40,030 रुपये व 1 तमंचा व कारतूस बरामद किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम ददन पुत्र बच्चू लाल, मुकीम उर्फ लूले पुत्र मोमिन, सोनू उर्फ उस्मान पुत्र अब्बास, छदन उर्फ सलीम पुत्र मुमताज, सलीम पुत्र ताहिर, इरशाद पुत्र इब्राहिम, नबी अहमद पुत्र नूर मोहम्मद बताया। इनके कब्जे से 2 DCM नंबर UP 46T 0455, UP 32A 5376 व मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्रो। संबंधित मुकदमा संख्या 106/18, धारा 392, 411 थाना गलोला व 40,030 रुपये। संबंधित मुकदमा संख्या 108/18, धारा 394, 411 IPC थाना गलोला जनपद श्रावस्ती तथा 1 देसी तमंचा, 2 कारतूस, 12 बोर बरामद किए। कहाँ के रहने वाले हो तुम? चोरी को दिया लगाओ। कितनी भैंसे अब तक तुमने चुराई? सर 6, 4, 2 रिसिया से और 4 तो 2 मटेरा से और 2 यहाँ से, क्या नाम। कितने वर्षों से आप ये काम करते चले आ रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा 15 दिन से। अच्छा बताओ भैया, अब जितने पकड़े गए कोई कुछ हमें पहचाना जाए, सब हमका ना जाए बताओ भैया। ये लोग गाड़ियों से भैंस को उठा लेते हैं, तो मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग इकट्ठे DCM से चोरी की योजना बना रहे हैं, तो इनको दौड़ाया गया पुलिस को, तो ये मिल गए, ये 7 लोग 2 DCM के साथ। ये इन्होंने कबूल किया है, आप इनसे बात करिएगा, अलग से बात करिएगा, कि यहाँ से भैंस चोरी करते हैं और जुबेरगंज फैजाबाद में बाजार पड़ती है जुबेरगंज, वहाँ ले जाके बेचते हैं। 6 भैंसे का तो उन्होंने बताया है, किसी का 60,000, 30,000 की 2 एक बार बेची, 25,000 की 2 एक बार बेची, 15,000, 35,000 की बेची, और इतना तो कबूल किया इन्होंने। अभी और बात करूँगा इससे हाँ, इन्होंने तो हमारे यहाँ चोरी हुई थी मल्लीपुर में एक भैंस की, उसकी शिकायत भी आ रही थी, तो इन्होंने कबूला उसको कि मैंने इसको चोरी करके इसको बेचा था। ये बातें हुई, इनसे कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच इसमें एक सलीम है। कौन है सलीम? सलीम है, इनसे मेरे यहाँ 2 लूटें हुई थी, उसके बारे में बातचीत हम लोग करना शुरू किए, तो इन्होंने बताया था, मैं भी बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ किए, तो इन्होंने बताया कि जो मोटरसाइकिल होमगार्ड की है, अभी वो होमगार्ड बाहर खड़ा होगा, पूछिएगा उससे, वो बेचारा ड्यूटी पे आ रहा था, बावर्दी आ रहा था, ये पूरे पुलिस के लिए चुनौती थी कि जिसको इन्होंने लूट किया था, कि लोगों ने उसको मार के छीन लिया था, तब से हम लोग परेशान थे, कर नहीं पा रहे थे इसको। इन्होंने बताया तो हमको लगा कि ये फर्जी बोल रहा होगा, लेकिन इसने कहा मैं रिकवरी करा दूंगा, तो वो मोटरसाइकिल रिकवर कराया इसने, वो मोटरसाइकिल सामने खड़ी, आप लोग देखिएगा उसको, और फिर इसने ये बताया कि जो दूसरी लूट हुई है साहब, हम तो उसके बहुत छोटे से उसके कलपुर्जे हैं, बाकी लोग हैं, नाम इसने बताया, हम लोग खोल रहे हैं उसको, 1-2 दिन में हम गिरफ्तार करके फिर से पेश करेंगे उनको, उनका नाम बताना हम मुनासिब नहीं समझते हैं यहाँ पे। तो इसने उस चोरी का पैसा भी बताया, इसने 40,000 समथिंग रुपया है ये, वो 1,63,000 की वो लूट थी, और मोटरसाइकिल एग्जैक्ट इसने रिकवर कराया, और इसकी जो और लोग इसके गैंग के हैं उनको हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 7 लोग जो 2 DCM 7 लोग ये पशु चोर थे, ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे श्रावस्ती की पशु चोरी की, उस पर निजात मिलेगी, कंट्रोल होगा उससे ये केस, प्लस इनके जब इनके पास ये कट्टा भी बरामद हुआ है और पैसा भी बरामद हुआ है, वो गिलौला की लूट का है और होमगार्ड की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस तरह से हमारी टीम ने ये बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। इसमें विशेष रोल आपका यासीन खां प्रभारी सोनवा, वकील पांडे, निरीक्षक देवेंद्र पांडे क्राइम ब्रांच, संतोष कुमार सिंह क्राइम ब्रांच,
रघुवीर गौतम, हमारे सारे आरक्षी, इन लोगों ने बहुत, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी कार्रवाई पहली बार मैं इसमें देखा हूँ जनपद में। इसमें हम गैंग भी रक्षा कराएंगे इनका और अपराध पे नियंत्रण होगा, ऐसा मेरा मानना है। समस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप गुप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट। देखते रहिए टॉप न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।